हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम दिखाएंगे एक रिले को आप मल्टीमीटर के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा हाथ में एक रिले है। ये 12 वोल्ट का एक रिले है दोस्तों। रिले मेनली आपका एसी डीसी दोनों में ही काम करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट का रिले है। चलिए आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट का रिले है। देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट का रिले है। तो चलिए आज इसको दिखाएंगे, इसको कैसे हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मल्टीमीटर को पहले ये बर्जा रेंज पे सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ आवाज़ दे रहा होगा, आपको सुन सकते हैं। देखिए तो पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। कोई भी रिले का आपका 5 पॉइंट होता है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये फर्स्ट वाला पिन और ये थर्ड वाला पिन आपका एक कॉइल रहता है, और बीच वाला हो जाता है आपका कॉमन। ये वाला NC और ये वाला NO। NC मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और ए नॉर्म NO मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो चलिए इसको कैसे चेक किया जाता है दिखाते हैं। एकदम इजी प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, पहले हम कॉइल इसका चेक कर लेंगे, कॉइल रिले का ठीक है कि नहीं। पहला काम हम लोग का वही होगा। देखिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कॉइल होता है, तो हम ऐसे टच कर रहे हैं। देखिए, कुछ रीडिंग दे रहा होगा आपको। देखिए, आपका रिले में भी ऐसे ही देना चाहिए। देखिए, कुछ रीडिंग दे रहा है, मतलब मेरा कॉइल ठीक है रिले का। और ये बीच वाला तो कॉमन होता है। देखिए दोस्तों, ये बीच वाला कॉमन के साथ ये जो NC पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। देखिए, हम टच कर रहे हैं, आपको कुछ आवाज़ दे रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, देखिए आपको बीप का आवाज़ मिल रहा होगा। देखिए, यही कनेक्शन होता है दोस्तों। और ये वाला जो पिन होता है, ये नॉर्मली ओपन का पिन है। आप जब इसको चेक करिएगा, देखिएगा ये जो चारों पिन है, कोई पिन का कनेक्शन इसमें नहीं रहेगा, ये एकदम ओपन रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला पिन पे हम टच कर रहे हैं। देखिए, कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं हो रहा है। देखिए, सेकेंड वाला में कर रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। थर्ड वाला पे नहीं हो रहा है। फोर्थ वाले का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए दोस्तों, हम फिर से दिखा देते हैं। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हम लोग का हो गया कॉइल। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, 420 शो कर रहा है। और ये बीच वाला से, बीच वाला और ये वाला डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। देखिए, बीप का आवाज़ दे रहा है, और ये वाला नॉर्मली ओपन रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे आप जब सप्लाई दीजिएगा, ये जो नॉर्मली क्लोज के साथ जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आउट होकर आपका नॉर्मली ओपन में चल जाएगा। सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ बीप का साउंड नहीं मिलेगा, मिलेगा आपका यहाँ। मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ ये 12 वोल्ट का रिले है, तो यहाँ 12 वोल्ट प्लस और यहाँ माइनस दे दिए हैं, तो तब आपका यहाँ जो ऐसे मिल रहा है ना, देखिए ऐसे मिल रहा है जो बीप का साउंड, तब वहाँ नहीं मिलेगा। तब सप्लाई देने के बाद आपका ये वोल्टेज यहाँ दिखाएगा। यहाँ जब यहाँ जो देखिए रीडिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ रीडिंग देगा तब सप्लाई देने के बाद। तो यही काम है दोस्तों। तो यही था रिले का चेक, आज यही वीडियो था दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना दोस्तों के साथ, और हो सके तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो पे। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।